शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शांत रहिए। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें। कृपया शांत रहिए। प्रश्न नंबर 317, विष्णु पांडे जी आप पूछें। अध्यक्ष महोदय, हर साल गंडक नदी में जो बाढ़ आती है उससे फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है, इसलिए हम प्रपोज करते हैं। बाहर नहीं जाए, बाहर नीचे बैठो। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मुझे खत्म करने दीजिए। इसलिए हम प्रपोज करते हैं कि अगर वहां बांध बनाया जाए तो ना सिर्फ बाढ़ को रोक सकते हैं बल्कि आसपास के गांव में बिजली की समस्या को भी सुलझा सकते हैं। एक मिनट, बिजली की समस्या सुलझाने में किसानों का नुकसान ना करें। हमारा राज किसानों का राज है। एक मिनट, वैसे ही उनके खेत को साबुत पानी नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है उसमें से भी आप बिजली निकालेंगे तो फसल क्या खाक होगी? मुंह क्या मार रहे हो? पानी में से कोई बिजली नहीं निकाली जानी चाहिए। यह बांध नहीं बनेगा। जय किसान, जय किसान। भैया जी क्या है? नाम रख दीजिए ना। शिव शंकर। लेकिन लड़की है। अरे लड़की क्या, लड़का क्या, सब भगवान करो। चलो चलो, अच्छा नाम है। चलो हटो, नमस्ते। पहले पूछा करो क्या पूछने वाली है। हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। भैया जी वो सुधीर और ललन को। हाँ उनको भी बुला लो। जल्दी करो। हाँ ठीक है, सौ साल जियो, दिमाग मत खाओ। चल लाल जी, कैसेट कहाँ है? है ना भैया जी। अच्छा तो टेप लाओ, अभी ला। भैया जी सुधीर और ललन को पुलिस पकड़ के ले गई है। तो डीएसपी को फोन करना, हमें मत बताओ। ललन सिंह और सुधीर को पुलिस काहे पकड़ के ले गई? हेलो। हाँ बच्चू यादव बोल रहा हूँ। सुनो डीएसपी, सुधीर और ललन को छोड़ दो। जी हमें मत बताओ, छोड़ दो बस। हाँ हम दोबारा फोन नहीं करेंगे। हर 10 मिनट में फोन करो, पूछो क्या हुआ। भाई जी बहुत अड़ियल है वो इंस्पेक्टर। हम पूछे तुमसे, जाओ अपने बहन से बोलो खाना लगाए। जी समझे। आदाब चाचा। खुश रहो मियाँ, खुश रहो। और करीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम है। क्यों रहमत मियाँ? हाँ हुसैन भाई कहिए। पिछले जुम्मे को कहाँ थे? हाँ हुसैन भाई हम पटना गए हुए थे। आदाब हुसैन भाई। अरे आदाब चाचा, आदाब। दरअसल ये पटना नहीं पटाने गए थे, पहले जुम्मे की थी। वो जुम्मा के बाद नजर आ रहा है ये। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। ए हुसैन भाई, लाल जी भाई। सलाम अलैकुम हुसैन भाई। अरे वालेकुम सलाम लाल जी भाई। हा? कैसे हो? फर्स्ट क्लास। अरे तुम तो ईद का चांद बन गए, दिखते नहीं आजकल। क्या बात कर रहे हैं। बस दुआएं आप लोगों की। बीवी बच्चे कैसे हैं? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। पैसे की कुछ कमी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, A1 चल रहा है सब कुछ। सलाम साहब। साहब चाय।
अब शक्ल का दिख रहा है, चल जाना। देखो समर, बच्चू यादव एमएलए बाद में है, पहले शहर का बाप है। वो चलाता है इसे, उसे टंटा करने में कोई फायदा नहीं है। हमने अपने फायदे नुकसान के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, आप गलत नहीं कर रहे। तुम चुप रहो। अरे बोलने दीजिए। तुम चुप रहो तिवारी। अरे बोलने दीजिए ना। देखिए, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फल होगा ना, इतना पैना होगा कि आपका हाथ पांव काट देगा। तो हम क्या करें? हम बच्चू यादव का डर से उसका गुंडा सबको छोड़ दें? तो मत छोड़िए ना, बोल कह रहे हैं। घर का खर्च ही चलाना था, अपना बच्चा सबको बाप ही देना था, तो दुकान खोल लिया होता ना किराने की। डॉक्टर थोड़ी बोला था पुलिस ज्वाइन करो। साला शर्म आता है तुम लोगों साथ काम करते हुए। जोकर रानी है का? ये रानी तेरी बहन जैसी दिखती है। घुटना मत घुसाओ अभी, चल चलो। किसके बारे अभी? हमारी बारी है भैया जी। हम कभी लाइफ देने तो हम तुम्हारी लाइफ लेंगे। भैया जी, डीएसपी साहब सुधीर और ललन को नहीं छुड़वा पाए। डीएसपी को मारो गोली, कोर्ट में देख लेंगे। तू खड़ा रहा अभी, मैं काम करूँ कि नहीं? हाँ। फिर तू जाए यहाँ से। किसकी बारी अभी बोलो? अपाई की बारी है भैया जी। अपाई की बारी है। क्या डाला? बादशाह। बादशाह केला खत्म बबुआ। आपके गवाह कहाँ हैं? हुजूर वो जज साहब, हुजूर प्रणव ठाकुर की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज आ नहीं सकते। ये उनके भाई हैं, उन्होंने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। प्रणव ठाकुर ने चिट्ठी भेजी है कि उनके और बच्चू यादव के बीच अब कोई समस्या नहीं है, इसलिए वे मुकदमा वापस लेते हैं। अदालत सुधीर विनोद और ललन सिंह को बाइज्जत बरी करती है। अरे बाप रे साला, वो समर कह रहा था। तिवारी जी, अथॉरिटी है हमारे पास, सरकार की अथॉरिटी। बोल रहा था। कहा बोला था? बोलना कहा बोल, वो बोल रहा था। बोला भैया जी की टांग तोड़ के उनके हाथ में दे दूंगा। ये बोला टांग टांग तोड़ेगा, भीख मंगाऊंगा उनसे। अरे हमारी तो हंसी नहीं रुक रही थी। अरे हम नहीं हंस रहे थे भैया जी। अभी तो बोलो हंस रहा था, बोला ना? हाँ बोला। हाँ हंस रहा था ना? नहीं, हम भैया जी हम अंदर हंस रहे थे, बाहर नहीं। क्या क्या बोला? मन में हंस रहे थे भैया जी। मन में? हाँ, जब वो बोल रहा था तब हम मन में हंस रहे थे, ऊपर नहीं हंस रहे थे भैया जी। चल बैठ बैठ बैठ, नीचे बैठ, दिखाओ मन में कैसे हंसते, दिखाओ। हंसो भैया जी, माफ कर दो हमको, हमको माफ कर दो भैया जी। क्या ए, ए, क्या होगा? माफ करने से क्या होगा भैया जी?
मंत्री जी को बोलकर उस साले का ट्रांसफर काहे नहीं करवा देते? नहीं नहीं लाल जी, ट्रांसफर नहीं, सरकार अगर उसको कहीं भेज भी देगी तो वापस बुलवा लूंगा साले को। उसकी समझ में जो चाल आएगी वही चलूंगा। कानून का उल्लंघन पसंद नहीं है उसे। लाल जी, जी कल हम कानून तोड़ेंगे, इंतजाम करो। सोनू, देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। क्या हुआ? पापा पापा कैसे लग रही हो? बत्ती बंद करो। क्या बात है? हमने कहा ना बत्ती बंद करो। अभी आप जाके सो जाइए और मुंह साफ कर लीजिएगा। हम जाइए।